तो दोस्तों, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दूसरा मौका देते हैं। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जुलाई 20, 2019, और डे है सैटरडे। आज का न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज दो एडिटोरियल्स मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगा। द रीज़न इज़ क्योंकि वो जो एडिटोरियल्स हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हैं जो कि मेन न्यूज़ से थोड़े से हटके हैं। ओके, तो इसीलिए वो दो एडिटोरियल्स कवर करेंगे। ऑल दो उन दो एडिटोरियल्स की वो डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको जो वहाँ पर लिखी हुई हैं, उसके साथ जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे एक एडिटोरियल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 आपके लिए क्या क्या लेकर आई है, उसकी फुल डिटेल आज आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, मैं अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक वेरीफाइड प्लस एज वेल एज वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हूँ। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी कैटेगरी के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स शो कंडक्ट करता हूँ, जो कि स्पेसिफिकली प्रिलिम्स और मेंस के लिए यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। अन अकेडमी में अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हो प्लस मॉडल की तरफ, तो मेरा रेफरल कोड aman.sharma का इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर भी आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। हमारे देश में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज के नाम लिखे हुए हैं। करेक्ट आंसर इस सवाल का है C 1, 3 और 4, मतलब उड़िया, तेलुगु और कन्नड़। मैं आपको एक बारी लैंग्वेजेस के नाम बता देता हूँ। हमारे देश में यहाँ पर जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनमें से है तमिल, 2004 के अंदर उसको क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर किया गया था। संस्कृत 2005 में डिक्लेयर किया गया था। कन्नड़ 2008 में डिक्लेयर किया गया था। तेलुगु 2008 में डिक्लेयर किया गया था। मलयालम 2013 में डिक्लेयर किया था। और सबसे रीसेंट जो लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में ऐड हुई वो है उड़िया, 2014 के अंदर उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ऐड ऑन किया गया था। आपके लिए आज का सवाल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रपोज किए हैं कि यहाँ पर जो सरप्लस है जनरल फंड का उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। कल मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था CFI के बीच में, कंटिंजेंसी फंड के बीच में, पब्लिक अकाउंट के बीच में, उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है। आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है जो अमेंडमेंट यहाँ पर फिनेंस बिल 2019 लेकर आने वाला है। पहली स्टेटमेंट है कि जो जनरल फंड है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, विच करेंटली हैज़ अ बैलेंस ऑफ ओवर 3000 करोड़, इज यूज टू मीट दी एक्सपेंसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी, जिसको आप लोग सेबी के नाम से जानते हो, चाहे वो सेबी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज हों या उनके अलाउंसेज हों। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि ये जो फंड है इट गेट्स मनी विया चार्जेस दैट सेबी लेवाइज ऑन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। सेबी कुछ फाइन्स, कुछ चार्जेस, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे, प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगाती है, रजिस्ट्रेशन फीस लगाती है, वो सारे के सारे पैसे यहाँ पर सेबी के इस जनरल फंड के अंदर आते हैं। तीसरी स्टेटमेंट ये है कि जितनी भी पेनल्टीज यहाँ पर सेबी द्वारा लेवाई की जाती हैं, दे आर ऑलरेडी गो टू द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वो पहले ही पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर जाती हैं, वाइल सेटलमेंट अमाउंट आर क्रिएटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शंस हैं आपके लिए A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, या D all of the above। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। एक आपको आर्टिकल देखने को मिलता है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर जो चीज़ इनकम्प्लीट दी हुई है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ एडिटोरियल्स आर इनकम्प्लीट, उसको कम्प्लीट बनाना यहाँ पर असली काम है आपका और मेरा। तो हाउ टू मेक दैट एडिटोरियल कम्प्लीट, टू मेक इट कम्प्लीट वी हैव टू रीड द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। क्या है ये पॉलिसी, क्या क्या चीज़ हमारे लिए लेकर आती है, वाई दिस इज ए न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर एक कमेटी बनी थी जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर कस्तूरा रंगन। कमेटी बनी थी ऑन द एजुकेशन पॉलिसी और उसने हमारे सामने रखी ड्राफ्ट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है
वो किस लिए आई है, क्या कारण है। तो नेशनल हमारी पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 वाली, उसको हम लोगों ने 1992 के अंदर मॉडिफाई किया था। और जब भी हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, कारण वही होता है, हम लोग उसको यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखना चाहते हैं, यूथ पॉपुलेशन के लिए बेहतर एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, और थोड़ी ऑर्थोडॉक्स चीज़ों से, पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों से हम लोग जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके साथ लिंक करना चाहते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी इट इज डिजाइन टू मीट द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च। इनोवेशन और रिसर्च के ऊपर हमारा देश इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एम करती है कि इंडिया को एक नॉलेजेबल सुपर पावर बनाया जा सके। हमारे देश में जो बच्चे हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, उनको नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज इम्बाइब कराई जा सके। यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो ये है कि जो मैन पावर की शॉर्टेज है, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के अंदर, उसको भी हम लोग कम कर सकें। और जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहे हैं, अगर उनको हमें फुलफिल करना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को यहाँ पर ख़त्म करना है, सब लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड करनी है, तो उनको यहाँ पर स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ड्राफ्ट पॉलिसी भी 5 मेन फाउंडेशनल पिलर्स पर खड़ी हुई है, जो कि है असेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड दी अकाउंटेबिलिटी। क्या क्या की चेंजेस आए हैं? सबसे पहले इस ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर प्रपोजल ये हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाए। जो करिकुलम है स्कूल एजुकेशन का, उसको थोड़ा एक्सपेंड करने की बात हुई है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागॉजिकल जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कॉग्निटिव और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल स्टेज जो बच्चे की होती है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको भी इंक्लूड करने की बात हो रही है। यहाँ पर जो 5 साल का जो पर्टिकुलर फाउंडेशनल स्टेज होती है, 3 साल की जो प्री प्राइमरी बच्चे यहाँ पर स्कूल जाने से पहले जो प्री स्कूल्स के अंदर जाते हैं, उसके साथ साथ क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर जाते हैं, तो जो ये 5 साल का जो पर्टिकुलर एरा होता है, इसको हम लोग अभी तक फॉर्मल एजुकेशन के जो करिकुलम था उसके अंदर नहीं ऐड करते थे, उनको हम लोगों ने ऐड करने की बात की है। उसके बाद यहाँ पर फिर प्रिपरेटरी स्टेजेस आती है, Grade 3 से Grade 5 तक, मिडिल स्टेजेस आती हैं, Class 6 से Class 8, सेकेंडरी स्टेजेस आती हैं, Class 9 to Class 12। जो पॉलिसी है वो जो यहाँ पर लोड कंटेंट है, जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जो बर्डन है उनके ऊपर, उसे कम करने की बात कर रही है। साथ ही बोला जा रहा है कि देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन ऑफ लर्निंग एरियाज इन टर्म्स ऑफ करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर। जो स्कूल में इस तरीके से डिवीजन कर देते हैं, वो डिवीजन भी शायद नहीं होगा। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सब पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, क्राफ्ट हो, स्पोर्ट्स हो, योगा हो, कम्युनिटी सर्विस हो, सब आपको पढ़ाया जाएगा। और पॉलिसी प्रमोट करती है एक्टिव पेडागॉजी, जो कि यहाँ पर फोकस कर सके जो छोटा बच्चा है उसके अंदर यहाँ पर कोर कैपेसिटी, लाइफ स्किल्स को डेवलप करने में। जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, वो करेंटली 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को ही कवर करता है। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो हमारा यहाँ पर एक्सपेंशन की बात हुई है राइट टू एजुकेशन एक्ट के, और अभी वो क्लास जो हमारे 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। टीचर एजुकेशन पे यहाँ पे फोकस किया गया कि जो कमिटी है प्रपोजेस फॉर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द टीचर एजुकेशन, ये कहती है कि यहाँ पर जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आने चाहिए, टीचर्स को बेटर प्रिपेयर करना चाहिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम भी आएगा। हायर एजुकेशन की बात करें, रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है हायर एजुकेशन को, विथ 3 टाइप्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। Type 1 जो कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास रिसर्च और हाई क्वालिटी टीचिंग पे फोकस करेंगे, Type 2 जो कि हाई क्वालिटी टीचिंग पे फोकस करेंगे अक्रॉस दी ऑल डिसिप्लिन्स, Type 3 जो कि हाई क्वालिटी टीचिंग पे फोकस करेंगे ऑन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। इसके लिए सरकार 2 मिशन और लाने की बात कर रही है, दैट इज मिशन नालंदा एंड मिशन तक्षशिला। ओके, ये 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिशन है, मिशन नालंदा मिशन तक्षशिला हायर एजुकेशन के लिए आएंगे। There will be restructuring of undergraduate program, जैसे BSc, BA, BCom, BVOC, जो कि है उनको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, इनके अंदर मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शन आएंगे। एक नई बॉडी बनाने की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसका प्रपोजल चल रहा है जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग मतलब नेशनल जो है उसको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, ये जो चीज़ है इसको एड ऑन कर लेना। जो बॉडी है इट विल ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाने की बात हो रही है, जो कि एक अपेक्स बॉडी के रूप में काम करेगी, जिससे रिसर्च कल्चर हमारे देश में बेहतर हो सके। 4 फंक्शन होंगे इसके, स्टैंडर्ड सेट करना, फंडिंग करना, एग्रीगेशन करना, रेगुलेशन करना।
कि और ये सारी की सारी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू किए जाएंगे। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी लाने की बात हो रही है, जो पॉलिसी है वो प्रपोज करती है कि एक हम लोग इकोसिस्टम क्रिएट कर देंगे NAAC नेशनल असेसमेंट एग्रीगेशन काउंसिल को रिवैम्प करके एक नई बॉडी आएगी, और UGC को भी हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को एट पार रखा जाएगा, उनको इक्वल यहां पर फोकस दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर कमेटी रिकमेंड करती है और भी कुछ न्यू इनिशिएटिव, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन पे हम लोग फोकस करें, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की यहां पर जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सके, हर लेवल ऑफ एजुकेशन में यहां पर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो, एडल्ट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग बच्चों को सिखाया जा सके, और यहाँ पर जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, या जो लोग यहाँ पर इलिटरेट हैं, उनको भी इस चीज़ के अंदर इंक्लूड किया जा सके, और एजुकेशन की मदद से जो जेंडर डिस्पैरिटी है जो उसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकें, सोशली जो यहाँ पर डिस्पैरिटी है उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर सकें, जो रीजनल गैप्स हैं एज वेल एज यहाँ पर रिलीजियस गैप्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर सकें। लैंग्वेज की बात की गई कि हम लोग प्रमोट करेंगे इंडिया और क्लासिकल लैंग्वेजेस को, सेटअप करेंगे 3 नए नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली, पर्शियन, प्राकृत, इनको प्रपोज किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन आएगा हमारे सामने, इसको यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। पॉलिसी कहती है कि इंप्लीमेंट की जाएगी 3 लैंग्वेज पॉलिसी आएगी, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होंगी दे शुड लर्न अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश के साथ अपनी लोकल लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। बट इसके अंदर आ गया है अमेंडमेंट, यहाँ पे जो साउथ इंडियन स्टेट्स थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, तो इस वजह से सरकार लेकर आई है कि जब बच्चे क्लास 6 पास कर जाएं वो एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो कोई लैंग्वेज छोड़ना चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपके लिए एक आर्टिकल था। नाउ यू कैन कंपेयर उन चीज़ों को जो मैंने आपको पढ़ाई विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ये सिर्फ यहाँ पर जो आर्टिकल था ये 20% था उन चीज़ों का जो हम लोगों ने कवर करी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ओके, तो दिस इज़ द वर्क, इस तरीके से आपको कवर करना है। नाउ मूविंग ऑन, एक आर्टिकल आपको मिलता है ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम लोगों को $5 trillion इकोनॉमी बनाना है बाई 2024, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, साथ में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी बजट के अंदर इस चीज़ को बार बार दोहराया, और इसके लिए हम लोगों ने अपना ब्लू स्काई विजन जो हम लोग यहाँ पर अपना एक यहाँ पे विशेष साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। तो डॉक्यूमेंट ने यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी लेआउट करी हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने कि अलग अलग जो ग्रोथ है की सेक्टर के अंदर हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, और इनके लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो है एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, और खासकर वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आए। कल मैंने आप लोगों के साथ एक आर्टिकल डिस्कशन में किया था जहाँ पर हम लोगों ने फोकस किया था कि क्यों हम लोग एग्रीकल्चर में इतना डेवलप नहीं कर पाए हैं। जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग हुई वहाँ पे एक चीज़ बोली गई थी कि 1991 के अंदर जब LPG रिफॉर्म्स आए उस समय हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया, और उस इग्नोरेंस का कारण है जो आज हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रोथ के लिए लड़ रहे हैं। FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसका कहना है कि इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो आज की डेट में ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है पिछले 30 सालों से, उस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो कम रही है और प्रोडक्शन स्टैग्नेट हो गई है। हमारे देश में भी जो यहाँ पे शेयर है ग्रॉस वैल्यू एडेड का वो कम होता हुआ हमें नज़र आया है, सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर स्पेसिफिक नेशन। और अगर हम लोग $5 trillion इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें कम से कम $1 trillion तो यहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर का होना ही चाहिए। व्हाट इज़ दी की, चाबी क्या है सक्सेस की? चाबी है सक्सेस की इन्वेस्टमेंट। जैसे आप लोग अपने लिए इन्वेस्ट करते हो, अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो, इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर में हमें सफल होना है तो पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन से नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए डिस्कस करता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए यू हैव टू फोकस ऑन दी 5 things। पहली चीज़ ये है कि जो वेव है इन्वेस्टमेंट की वो एग्रो प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, एग्री स्टार्टअप, एग्री टूरिज्म, जॉब क्रिएशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसके साथ साथ टूरिज्म, इन सब पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि आजकल एग्री टूरिज्म अपने आप में एक नया शब्द है। ओके, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट साइकिल बड़ी हो सके। सेकेंड जो यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है इट नीड्स टू ड्राइव टू स्ट्रेंथन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर,
दोनों ही सेक्टर को यहाँ पर इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, रिसर्च के अंदर आना है हमें, बाहर के देशों से बढ़िया कोलाबरेशन करनी है, यहाँ पर हमें हमारी रिसोर्स कंजर्वेशन को सामने दिखाना है, हम जिन चीज़ में बेहतर हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जिसके बारे में बजट के अंदर बात की गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन चीज़ों को हम लोगों को शोकेस करना है। तीसरी चीज़ है यहाँ पर कि इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोगों को इस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए कि हमारी सरप्लस जनरेशन हो और यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय कर सके नेक्स्ट जनरेशन लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजीज, जिससे प्रोडक्शन बेहतर हो, एनहेंसमेंट बेहतर हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, डिजीज सर्विलियंस हो, जर्मोप्लाज्म हो, वैल्यू एडिशन हो, फार्म इनकम बढ़े, फार्मर्स की इनकम डबल हो सके बाय 2022। फोर्थ, जो इन्वेस्टमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के अंदर होनी चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पर अपनी कुसुम स्कीम को लेकर आए हैं, जिससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट होगी, उस तरीके से रूरल एरिया को हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। फिफ्थ, अ फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अनदर सोर्स ऑफ रूटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू एग्रीकल्चर, जो फार्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा इज द की। सो व्हाट इज द की? डेटा इज द की, एंड वो की ड्राइवर है मॉडर्न एग्रीकल्चर का। जब हम लोग ई नैम के बारे में बात करते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, सॉइल मैपिंग के बारे में बात करते हैं, तो सब चीज़ को मेंटेन करना, असेस करना, ये चीज़ें डेटा के बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 9 पे, विमेन इन CRPF विल सून गेट स्पेशली डिजाइंड बॉडी गियर। अभी तक जो महिलाएं हैं जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर काम करती थी, उनको मेन वाले ही जो बॉडी गियर्स होते थे वो पहनने पड़ते थे, बहुत लूज होते थे। बट फाइनली एक बहुत अच्छी खबर आई है कि उनके लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जो बॉडी गियर्स हैं अब वो अवेलेबल हो सकेंगे। ये फुल बॉडी प्रोटेक्टर है, उनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे डिपैस के साइंटिस्ट द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस द्वारा, जो कि एक यूनिट है DRDO की। ये जो गियर है ये एक एंटी स्टैब और एंटी एसिड गियर है, इसको स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेज नंबर 13 खबर मिलती है, RTI बिल इंट्रोड्यूस्ड एमिड अपोजिशन फ्लैक। तो यहाँ पर अपोजिशन के बहुत सारे हंगामे के बावजूद यहाँ पर जो बिल है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को थोड़ा सा अमेंड करने की कोशिश करता है। जो नया बिल है, इट सीक्स टू चेंज द स्टेटस ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हु आर ऑन अ पार विद इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, यहाँ पर जो उनके ऑफिस का टर्म है, जो सैलरी है, जो अलाउंसेस हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं, उनको यहाँ पर चेंज करने की बात हो रही है, उनको उसी हिसाब से करने की बात हो रही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेगा। अभी की डेट में जो सेक्शन 13 अंडर क्लॉज 5 है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है दैट दीज आर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड टू एन इलेक्शन कमिश्नर फॉर एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। उन सब चीज़ों को बदलने की बात हो रही है। और यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है 2005 के एक्ट के अंदर कि द फंक्शन बींग कैरिड आउट बाई द इलेक्शन कमीशन एंड सेंटर एंड द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर टोटली डिफरेंट। तो सरकार ये कह रही है जब फंक्शन डिफरेंट है तो टेन्योर वगैरह भी यहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए। ECI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमारी जो CIC है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसलिए इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट लाने की बात हो रही है। पेज नंबर 14 पे, इजराइल स्पाइवेयर फर्म कैन हैक डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया, सेज रिपोर्ट। यहाँ पर इजराइल की एक स्पाइवेयर फर्म है, उसने अपने क्लाइंट्स को बताया कि वो वर्ल्ड की टॉप सोशल मीडिया वेबसाइट से जो आप डाटा चाहो वो आप डेटा खरीद सकते हो। यहाँ पे बोला गया चाहे वो डेटा गूगल का हो, फेसबुक का हो, अमेजोन का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, सारे के सारे सेल के लिए अवेलेबल है, और एप्पल अगर आप मतलब मोबाइल फ़ोन्स के भी सारे डेटा अवेलेबल हैं। और इन डेटा का इस्तेमाल अक्सर जो यहाँ पर जो फॉरेन जो एजेंसीज़ होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, ओके, जो कि स्पाई के लिए इस्तेमाल करती हैं, जैसे हमारे देश की मान लो रॉ है, या फिर जैसे मान लो स्वैट है या ISI है, इस तरीके की एजेंसीज यहाँ पर इस्तेमाल करती हैं इस तरीके के डेटा को। इस चीज़ को सामने बोला गया, इट इज़ सोल्ड टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड द इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर एक टूल के बारे में बात की गई जिसका नाम है पेगासस, एक इन्वेसिव टूल है जो कि आपके सेलफोन के कैमरा को और माइक्रोफोन को यहाँ पर टारगेट करता है, जिस वजह से आपकी जेब में रखा हुआ फ़ोन भी एक स्पाई की तरह बिहेव करने लगता है। पेज नंबर 15 खबर मिलती है, हाउ विलाज डोनेशन इज्ड IL&FS वेस्ट टू रेटिंग।
आई एल एंड एफ एस इशू है क्या, इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है कि जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यहाँ पर करती हैं आई एल एंड एफ एस के लिए, वहाँ पे हमें बहुत बड़ा लैप्स देखने को मिला है। बोला गया है कि जो ऑपरेशंस थे इस एंटिटी के वे बैक टू 2012 बट चूज टू डाउनग्रेड रेटिंग ओनली 2018। 2012 में ही इनके जो यहाँ पर जो केसेस चल रहे थे, जो इनके जो यहाँ पे स्थिति चल रही थी वो बहुत ही ख़राब थी, और यहाँ पर उनके जो डाउनग्रेड की गई रेटिंग वो 2018 में की गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ब्राइबरी का केस है, करप्शन का केस है, कि यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाई है ग्रांट टॉटन ने, उन्होंने बोला है कि जो प्रोटोकॉल जो सीआरए ने फॉलो किए वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आए, क्योंकि आई एल एंड एफ एस ग्रुप के जो लोग थे वो बहुत सारे बेनिफिट पहुँचाते थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को जो कि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से यहाँ पर रिलेट करते थे। तो मल्टीपल ईमेल्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं। असलियत में जिस रेटिंग एजेंसीज का 2012 में ही रेटिंग डिग्रेड कर जानी चाहिए थी उसका हम लोगों ने 2018 तक इंतज़ार किया, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैप्स, बहुत बड़ा करप्शन हम लोग कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और जाते जाते आप लोगों के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड कल मिलते हैं।